सब उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हम ट्यूशन से आए हैं और अभी हमें लग रही है बहुत भूख, क्योंकि हम ट्यूशन से आते हैं हमें इतने भूख रहते हैं कि लगता है जैसे हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। और अभी हमारे डिनर करने का मूड नहीं है, इसीलिए मम्मा हमारे लिए बना रही है फ्राइज एंड ऑरेंज जूस। तो चलिए देखते हैं मम्मा का काम कहाँ तक पहुँचा है। ये हो रही है मशीन फिक्स और इनके डिफरेंट साइजेस हैं, लेकिन हमें जो सा चाहिए था हमने वो रख लिया है। अब इसकी कटिंग होने लगी है। और ये फ्राइज की कटिंग हो चुकी है। इसमें मम्मा ने डाला है 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर और 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। मम्मा इसमें बेसन भी डालती है, वो जब डालें तो मजे का लगता है, लेकिन अभी बेसन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मम्मा ने सिर्फ ये दोनों चीजें ही डाली हैं। जायका आप सॉल्ट डालें। और अब इसमें डल चुका है ऑयल। और अब ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें डलने लगी है फ्राइज। रेडी हो रही है, मम्मा बनाने लगी है ऑरेंज जूस। अब ये मम्मा मशीन फिक्स कर रही हैं। अब मम्मा ऑरेंजेस वॉश करेंगी और फिर उनका जूस बनाएंगी। अब बन रहा है जूस। देखें जी कितने अच्छे से निकला है इनका जूस।
मम्मा को ऐसी चीजें लेना बहुत पसंद है और मम्मा ने हमारे फ्राइज खाने के लिए ली हैं डिपिंग कॉर्न। तो चलिए इनको अनरैप करके देखते हैं कि ये कैसी हैं। और ये रही ये, मैं ये कैसे लग, अच्छा ये इसके साथ यूं लगता है। वाओ सो कूल, और ये इसके साथ यूं लगता है। यहाँ पे हम केचप भी रख सकते हैं और मायोनीज भी। और ये मम्मा ने ऑर्डर किया था दराज से, दराज पे इसीलिए अवेलेबल है और मैंने इन दोनों को अनरैप भी कर लिया। ये ऑरेंज जूस और फ्राइज रेडी हैं। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हमें अल्लाह के ये दो नाम लेने चाहिए, इससे रिस्क में इजाफा होता है। चलिए जी अब हम करते हैं अपना व्लॉग एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।